अच्छा मुझे बताओ कि बिहार में स्पेशली ये क्यों मनाया जाता है? बिहार में इसलिए मनाया जाता है कि ये छठ पूजा स्पेशल वीडियो है। छठ पूजा में एक्चुअली में क्या क्या किया जाता है वो सारा चीज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सो आप समझ सकते हो देख करके कि बिहार के लोग छठ पूजा को इस तरह से सेलिब्रेट क्यों करते हैं। अभी जस्ट स्टार्टिंग है, लोग जो है ना रात से ही यहाँ पर काम करना शुरू कर दिए हैं, यानी ऐसा केला का पेड़ पौधा को लगाने के लिए शुरू कर दिए हैं। आप ये सोचने की गलती मत करना कि मैं केला का खेती करने लग गया हूँ। आप देख सकते हो भाई कितना ही आलीशान तरीके से बिहार के लोग छठ पूजा को मनाते हैं। मैं आपको आगे तक दिखाता हूँ, ये देखो सारा फंक्शन करके रखे हुए हैं, A to Z आप देख लो, यहाँ से लेके वहां तक और उधर से लेके उधर तक लगभग 1.5 किलोमीटर का एरिया, यानी 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया, पूरा का पूरा एरिया जो है ना ऐसा सजा के रखे हुए नदी के किनारे में, क्योंकि बिहार में छठ पूजा आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज्यादा आलीशान तरीके से मनाया जाता है। और स्पेशली हमारे एरिया में, पूरे बिहार में, आजमनगर प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जहां पर जो छठ पूजा के श्रद्धालु है काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा मात्रा में यहां पर भीड़ होता है, बहुत ही ज्यादा क्राउड होता है। ये जो क्राउड है ना ये शाम को स्टार्ट होने वाला है 3 बजे से लेके सुबह के 8, 10, 11 जब तक धूप उठे या धूप खत्म ना हो ऐसा करके। सो दोस्तों अभी मैं जाने वाला हूँ दूसरे वाले छठ घाट में, यानी जो कि महानंदा नदी है ना जस्ट उसके बगल वाला जो कि बांध के किनारे पे छठ घाट होता है, मैं उस वाले पे जाने वाला हूँ। ये वाला जो ना छठ घाट का क्राउड आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर किस तरह का क्राउड है। मैंने आपको जो दोपहर में दिखाया था ना वो अलग लेवल था, और यहाँ जो है ना कुछ नेक्स्ट लेवल है, यहाँ कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल से होने वाला है। तो आप देख सकते हो सामने में, ये अभी मैं बांध पर चढ़ रहा हूँ, यहाँ देखो एक घाट है, इधर कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ये नॉर्मली है। तो यहाँ जो है ना कुछ परिवारों का बस स्पेशल ये वाला इलाका आप देख सकते हो, जहाँ की ये लोग अभी छठ पूजा का जो है ना अभी प्रारंभ हो रहा है, अभी शुरुआत हो रहा है, ये रात को चलने वाला है और फिर ये सुबह को एंड होने वाला है। तो मैं आपको सिर्फ ये जो है ना एक ऐसा टूर दे रहा हूँ पूरे एरिया का कि कहाँ कहाँ तक ये पूरा जो छठ का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, नीचे का जो है ना नीचे भी, ओ भाई साहब इधर तो और ज्यादा है। ये जो है ना घाट है, घाट मीन्स आप समझ सकते हो यहाँ से ऐसा नाव पकड़ करके इस पार से उस पार लोग करते हैं ना, तो सेम इसी जगह पे कुछ लोग आना जाना भी कर रहे होंगे शायद से। और यहाँ पर आप देख सकते हो एम्बुलेंस सुविधा भी लगाया गया सामने में, पता नहीं क्या क्या होने वाला, एम्बुलेंस यहाँ अटका के रखा हुआ है। ये एम्बुलेंस है मतलब ऐसा बाइक वाला एम्बुलेंस, मतलब ये स्पीड एम्बुलेंस, बस झट से कुछ कोई घटना हुआ कुछ हुआ मोटरसाइकिल में बिठाओ बस चलो ऐसा करके, ये जो है ना एम्बुलेंस। तो यहाँ का क्राउड चेकआउट करो आप, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का क्राउड है। और आगे से सनसेट, क्या व्यू मिल रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल व्यू है पूरा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि मैं छठ घाट पर हूँ, अभी शाम का टाइम है, शाम जस्ट हो गया है। अभी देख सकते हो ये लोकेशन, ये नजारा चेकआउट कर सकते हो आप। यहाँ से अभी जो है ना पूरा भीड़ खत्म हो गया है, अभी सारे लोग अपने अपने घर गए, फिर भोर के टाइम पे यहाँ पर सारा प्रोग्राम होने वाला है सूर्य उदय होने तक, यानी सूरज उठने तक। जैसे सूरज उठेगा सारा का सारा जो है ना ये लोग नदी में ऐसा डुबकी लगाएंगे और फिर वहां से निकलेंगे, फिर जो है ना ये सारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा। अब पूरा क्राउड चेक कर सकते हो यहाँ से लेके वहां तक, अभी सारे लोग जो है ना जा चुके हैं, अभी बहुत ज्यादा अभी भी क्राउड है, अब सारा चीज चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों अभी जो है ना समय हो रहा है 4:30 और मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ छठ पूजा को आपको दिखाने के लिए। मैं किधर जा रहा हूँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप सामने देख सकते हो कि वहाँ जो है ना किस तरह का ऐसा उड़ाया जा रहा है, ऐसा चिराग जला करके पन्नी में उड़ाया जा रहा है ऊपर में, ये बहुत बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, देखो एक ऊपर है ऐसा तारा के साथ जाके जो है मिल जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि तारा ही हो। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो इतने सारे लोग जो है ना यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारा अपना इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही धूप उठेगा ये पूजा पाठ का सारा सामान जो है ऐसा धूप उठेगा उनको नमस्कार करेंगे और जो है ना फिर यहाँ से सब लोग चले जाएंगे। सो इसमें जो है मेरा एक टीम था, मतलब मैं किसी की टीम में जुड़ना चाह रहा था कि मैं भी ऐसा जाऊँ और साथ में बैठ के वीडियो बनाऊँ, बट उन्होंने इतना भीड़ में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही कि वो लोग कहाँ गए हैं नहीं गए हैं। और यहाँ पर वो बहुत सारी महिलाएं बहुत सारी लेडीज जो है एक साथ बैठी हुई है, तो वैसे भी उतना मुमकिन नहीं होता कि मैं नीचे जाके बैठूं और ऐसा वीडियो शूट करूं। तो मैं आपको यहाँ से ऊपर से दिखा देता हूँ, आप देख लो कितना दूर तक इस पे जो है ना ऐसा बल्ब वगैरह लगा हुआ है, आप सोच सकते हो भाई साहब जो कितना क्वालिटी है भाई। देखो इस तरफ पे बिल्कुल जो है ना, मैं आपको बताया था लगभग 1 किलोमीटर का एरिया जो है ये छठ घाट बना हुआ है। मैं आगे तक चलता हूँ, आगे वाला व्यू आपको दिखाता हूँ। और अभी आप देख सकते हो इनका ड्यूटी क्या मिला हुआ है, मतलब जितना सारा लोग है ना बच्चा सब है उनको पोलियो का दवाई पिला रहा है भाई, गजब का ड्यूटी है। कैसा लग रहा है ड्यूटी करके? ड्यूटी करके
छोड़ के अच्छा लगा भाई, कि हमारा तो काम है समाज सेवा करना, समाज सेवा कर लिया है और क्या कर सकते हैं। यहाँ समाज सेवा हो रहा है और इधर पटाखेबाजी हो रहा है, आप देख सकते हो। ओ भाई साहब, अरे अरे, अच्छा मुझे बताओ कि बिहार में स्पेशली ये क्यों मनाया जाता है? बिहार में इसलिए मनाया जाता है कि दीनानाथ का यहाँ पे पूजा जाता है, यानी सूरज भगवान को पूजा जाता है, मन्नत मांगता है आदमी, मतलब क्या बोलता है, दंड देते हुए भी आता है, मलक के दंड देना या सो के आना। यहाँ जो बहुत बड़ा त्यौहार है, पूरा वर्ल्ड से आदमी आता है, पूरा वर्ल्ड से आता है। और मैं मुझे कह रहा क्या पता है, पूरे बिहार में हम लोग का जो आजम नगर प्रखंड है ना, मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्राउड यही होता होगा। सबसे ज्यादा क्राउड अभी आजम नगर भाई साहब, इतना क्राउड मैं और भी जगह देखा हूँ छठ पूजा का, लेकिन इतना ज्यादा क्राउड नहीं देखा यार, इतने सारे लोगों को नहीं देखा। हमारा यहाँ 1.5 किलोमीटर है ना, इससे आगे 3-4 किलोमीटर और है भाई, जो महानंदा नदी है ना उस तरफ भी पूरा भरा हुआ, उधर भी पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ जागरण का कार्यक्रम रखा है, कानपुर से आर्यन ग्रुप आएगा, झांकी दिखाएगा 23 तारीख को आएगा सबको झांकी देखने के लिए। यहाँ पे झांकी का भी प्रोग्राम रखा गया है थाना मैदान आजम नगर में। और यहाँ साउंड का थोड़ा सा इश्यू होगा, साउंड जो है ना आपको उतना नहीं मिलने वाला है, बट थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे गाना वगैरह बज रहा है, अगर ये नहीं बजेगा तो मजा नहीं आएगा, ये बजाना ही बजेगा। हाँ ये जरूरी है, बजेगा ही भाई, ये क्राउड सजावट सजावट के लिए भी बहुत। आप देख सकते हो फाइनली ये गिफ्टी से मिला था। चलो सर आप दवाई पिलाओ, हाँ मैं मिलता हूँ बाद में, आओ भाई। तो चलो यार अभी मैं चलता हूँ इस तरफ और इधर का व्यू आपको दिखाता हूँ। ओ भाई साहब, आप भीड़ देख सकते हो, कितना ज्यादा भीड़ हो चुका है नदी के किनारे पे। लगभग सारे लोग, यानी 50% लोग जो कि वहाँ बैठे हुए थे, 50% लोग अभी यहाँ पर उतर चुके हैं सूरज को नमस्कार करने के लिए, नमन करने के लिए। ठीक है, यहाँ से लेके वहाँ तक आप पूरा एरिया देखोगे ना, यहाँ तक भी देखो कितना ज्यादा क्राउड हो चुका है अभी नदी के किनारे पे। सबको अपने अपने हाथ में ऐसा अगरबत्ती वगैरह लेके जो है ना ऐसा खड़े हैं, ताकि जैसे ही वो हो, मतलब सूरज उठे और सब नमस्कार करने लग जाए। देखो सूरज उधर से उठने वाला, आपको कलर से थोड़ा सा मालूम चल रहा होगा। और कुछ लोग अभी देखो नहाने गए नदी में, और भाई यहाँ से लेके वहां तक ना पूरा भीड़ हो गया भाई, बहुत ज्यादा क्राउड हो गया। तो अभी आप देख सकते हो सारे लोग जो है ना ऐसा अभी अपना सामान वगैरह पैक कर रहे हैं। अभी सूरज तो उठा नहीं है, फिर कैसे जा रहे हैं सबको? नहीं सूरज तो उठ गया, मतलब टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। अभी आप देख सकते हो मतलब वेदर जो है ना थोड़ा सा वैसा, इस कारण से पता नहीं चल रहा है, पता चल गया तो वो लोग अभी यहाँ से सब अपना पूजा संपन्न करके जो है निकल रहे हैं, सब सामान वगैरह पैक करके। आप देख सकते हो सारे लोग एक तरफ से उठ रहे हैं अभी घाट से। सो दोस्तों फाइनली अभी आप देख सकते हो कि मैं यहां से निकल चुका हूं, सारा प्रोग्राम आपको दिखा दिया है स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा बताने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये देख के पता चला होगा कि बिहार के लोग जो छठ पूजा को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट था ये वाला वीडियो शूट करना, क्योंकि एक तो आपको दोपहर में दिखाया, फिर रात में दिखाया, फिर ऐसा भोर में आके दिखाया। भाई सीरियसली मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी, वो तो मैं घर में बता के रखा था तो मुझे उठा दिया, वरना मैं आपको ये भी नहीं दिखा पाता। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो पल होता है ना वो यही वाला होता है सुबह के टाइम वाला, कि सुबह के टाइम पे अगर आप देखते हो ना तो मतलब जेन्युइनली जो फील आता है ना वो अभी आता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की वीडियोस के लिए। सो चलो फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।